सो ये बात है तब की जब हमारे स्नूप चाचा नए नए छूटे थे जेल से इन वन ऑफ हिज मर्डर चार्जेस, और पाक भी नए नए वेले हुए थे अपने सेक्सुअल असॉल्ट के केस से, और शूग नाइट जो कि डेथ रो रैकेट्स का मालिक था उसने एक हाथ से पकड़ा स्नूप को और एक हाथ से पकड़ा पाक को और कहा कि तुम दोनों कोलैब कर रहे हो। बस मैंने कह दिया तो कह दिया, और इस तरह हमें ये लेजेंडरी ट्रैक सुनने को मिला, दैट इज टू ऑफ अमेरिकास मोस्ट वांटेड। इस गाने के इंट्रो में हमें एक पैरोडी वीडियो देखने को मिलती है जिसमें डुप्लीकेट बिगी और पफ डैडी बैठे होते हैं। दरअसल ये सीन रेफर करता है 1994 कॉर्ड स्टूडियो इंसिडेंट को, जब पाक के 5 गोलियां लगी थी और उनको मेजरली यही लगता था कि ये गोलियां बैड बॉय रिकॉर्ड्स ने चलवाई। इसके बाद पाक रूम में आते हैं और बिगी को मारने की धमकी देते हैं इस हरकत के लिए, और बिगी की झट से फट जाती है और वो उनसे भीख मांगते हैं कि पाक मुझे माफ कर दो, और पाक भी उन्हें बख्श ही देते हैं। अब ये पूरा जो सीन है ये भी इंस्पायर्ड है स्कारफेस मूवी के एक सीन से। बहन चोद अब तो देखनी पड़ेगी। बाय द वे इस गाने में 8 वर्सेस है, 8 वर्सेस। शुरू करते हैं इंट्रो से जहां पर पाक शूक को रेफर करते हुए कहते हैं कि तुमने अमेरिका के 2 मोस्ट वांटेड बंदों को एक ही गाने में डाल दिया है, तो अब देखो बनता क्या है। बैन फर्स्ट वर्स में पाक रेफर करते हैं अपनी राइटिंग एबिलिटी को, जिससे वो ऐसे गाने लिख पाते हैं जिसमें एक परफेक्ट स्टोरी टेलिंग होती है, प्लस वो एक शाउट आउट भी देते हैं अपने होमी स्नूप डॉग को। इसके बाद हमारे स्नूप चाचा आते हैं और पहली ही लाइन वो एक लेजेंडरी सॉन्ग दी मैसेज से उठाते हैं, और लाइन है कीप माय हैंड ऑन माय गन कज दे गॉट मी ऑन द रन। भैया 1993 में स्नूप के बॉडीगार्ड ने एक राइवल गैंग के बंदे को गोली मार दी थी क्योंकि वो हमला करने वाला था स्नूप पर, और इसीलिए स्नूप पर मर्डर चार्जेस भी लगे थे तब। लेकिन फिर भी स्नूप इतने कूल है कि वो अपने केस को छोड़कर अपने भाई टूपाक की चिंता कर रहे हैं कि उसको कुछ ना होए। प्लस स्नूप बयां करते हैं कि उनको भी वाशिंगटन के मिलियन मैन मार्च पर शामिल होना है, और इनफैक्ट वो हुए भी थे। आगे पाक बात करते हैं कि वो नशे में हैं और उनको ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि 2 मोस्ट सक्सेसफुल रैपर्स ऐसे केसों में फंस रहे हैं। यहाँ पर एक वर्ड है लेज्ड, मीनिंग हाई होना नशे में। आई एम लूजिंग माई रिलीजन का मतलब होता है अपने आप पर कंट्रोल ना रहना किसी बुरी हैपनिंग के कारण, और पाक सिर्फ अपने दोस्तों की परवाह करते हैं, धोखेबाजों को एक फक भी नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल वो दोस्त जो कि दोस्तों को छोड़कर पुलिस का साथ देने लगते हैं। और स्टूल पिजन एक स्लैंग है मीनिंग स्निच या धोखेबाज। आगे स्नूप बात करते हैं कि उनके पास क्या क्या है और वो क्या क्या चाहते हैं। फर्स्टली चीनो सिटी के पास पहाड़ियों में उनका एक घर है जहाँ पर उनके पास एक पिटबुल है नाइजरीना ब्रीड का, मतलब कि एक ही घर में 2 कुत्ते इकट्ठे हो गए। स्नूप चाहते हैं कि उनके पास एक खुद का कसीनो हो, बिल्कुल बक्सी सैगल की तरह। बक्सी वो गैंगस्टर था जिसको क्रेडिट दिया जाता है सबसे पहला कसीनो खोलने का लॉस वेगस में, दैट इज द फ्लेमिंगो। एज वेल एज स्नूप को चाहिए एक रैगल लो राइडर, एंड लास्टली उन्हें चाहिए बहुत सारा पैसा और कोकीन। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि जी स्टैंड फॉर मनी एंड की स्टैंड फॉर किलो ऑफ कोकीन। प्लस बेबी बूबा एक निक नेम है रैप गेम में जो कि वन ऑफ द फर्स्ट हिप हॉप सॉन्ग रैपर्स डिलाइट में भी फीचर हुआ था। आगे पाक कहते हैं कि लोगों को सिर्फ उन्हें और स्नूप को ही फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो अमेरिका के 2 मोस्ट वांटेड मुंडे हैं। अब इसकी 2 इंटरप्रिटेशंस हो सकती है, एक तो ये कि ये वांटेड हैं अपने कारनामों के लिए, और दूसरा ये कि ये वांटेड हैं बिकॉज पीपल वांट दीज गाइज, क्योंकि इनके म्यूजिक के लोग दीवाने हैं। इस लाइन में पाक ने 44th US वाइस प्रेसिडेंट डैन क्वेल को भी टारगेट किया है ये कहते हुए कि आई कैन मेक यू फेमस, जो कि यंग गन्स नाम की एक मूवी का डायलॉग है जिसका असली मतलब होता है किसी को जान से मारना। अदर देन दैट आगे पाक कहते हैं कि आई नेवर स्टॉप बॉलिंग दीज मदर फकिंग जीज, जिसके अगेन 2 मीनिंग है, एक तो यही कि वो पैसा कमाना कभी नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा ये कि वो गैंगस्टरों को जेल से छुड़वाना कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद कोरस आता है जो कि आपको समझाने की जरूरत है नहीं, मैं आपको सुना ही देता हूं।
आगे पाक कहते हैं कि वो स्नूप को छोड़कर बाकी सबकी धज्जियां उड़ा देंगे, उन्हें सिर्फ 50 फीट का दायरा चाहिए और उनकी डिक्शनरी में हार शब्द है ही नहीं। बाय द वे 50 फीट एक एवरेज हैंड गन की रेंज होती है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पाक और स्नूप अपने पीक पर थे, जहां पर पाक ने 75 मिलियन रिकॉर्ड सोल किए थे और स्नूप चाचा ने 30 मिलियन रिकॉर्ड, और इसी बात से बाकी आर्टिस्टों की जलती थी, यही पॉइंट आउट किया है पाक ने। आगे स्नूप मेंशन करते हैं क्रिप्स एंड ब्लड्स की गैंग फाइट को। चाहे स्नूप क्रिप मेंबर हैं और पाक ब्लड से एफिलेटेड थे, लेकिन ये दोनों विश्वास करते थे गैंग यूनिटी में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये लाइन आती है जो कि रेडियो एक्टिविटी रैप नाम के एक गाने का एक क्वोट है, जिसका मतलब है कि तुम पूरी मेहनत से हर दिन अपना काम करते हो जब तक तुम्हारे बाल सफेद नहीं हो जाते। और इसके बाद एक फेमस लाइन आती है कि वी लिव बाय द गन एंड वी डाई बाय द गन। ये लाइन मैंने लगता है पहले भी कहीं सुनी है। पाक की जेल की बेल के बाद उनको गन रखने की मनाही थी। अगर वो पकड़े जाते हैं गन रखने के जुर्म में तो उनको वापस से जेल हो सकती थी, लेकिन पाक ठहरे जिद्दी बच्चे, उन्होंने एक इलीगल गन रखी हुई थी। नाउ दैट इज कॉल्ड रियल थग लाइफ। इसके आगे पाक अपनी कुछ फेमस चीजों को मेंशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनकी मर्सिडीज 500 SL और उनके जो 5 गोलियां लगी थी क्वाड स्टूडियो में। पाक अपना दर्द जाहिर करते हुए ये कहते हैं कि उनके बचपन में सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, वो थी पैसे की, लेकिन अब नहीं है क्योंकि उन्होंने हसलर्स के साथ हसल किया है और रैप वो जरिया था जिसने उनको पैसे कमा कर दिए। अब जब अगली बार ये गाना सुनोगे तो एक बार अपने भाई को जरूर याद करना, और ब्रेकडाउन के लिए इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई सजेशन है तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ या फिर नीचे कमेंट कर दो। बाय।